ऐसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी कल एग्जाम देकर आए थे नवोदय विद्यालय क्लास 6 का, जो आप सभी का 30 अप्रैल 2022 को हुआ था। उस पेपर का कट ऑफ कितना रहने वाला है? अब कट ऑफ क्या होता है सबसे पहले वो जान लेते हैं। कट ऑफ वह मार्क्स रहते हैं जिस पर बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। उतने मार्क्स लाने पर बच्चे सिलेक्शन हो जाते हैं। अब चलिए क्लास 6 का जो कट ऑफ है वो कैसे आप देख पाओगे, कहाँ से देखोगे कितना कट ऑफ जाएगा, वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्लास 6 का जो कट ऑफ है, यहाँ पर मैं ये क्लास 6 का जो बिल्कुल लेटेस्ट कट ऑफ है, ठीक है, जो आप सभी का 30 अप्रैल 2022 को कल पेपर आप देकर आए हो, उस पेपर का जो कट ऑफ है इतना ही जाने वाला है 100%, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर दिखा रहा है, तो कट ऑफ यहाँ पर सब कुछ दिया गया। अब इस वेबसाइट पर कैसे जाना है सबसे पहले वो सुन लीजिए, कट ऑफ भी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या सर्च करना है, गूगल में ajayvidyangan.com लिखना है, ajayvidyangan.com लिखोगे, इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको लिख लेना है गूगल में, आप जैसे आप इसको लिखोगे सर्च करोगे, सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको मेन्यू वाला ऑप्शन मिल जाएगा। मेन्यू वाले ऑप्शन के सामने एक तीन लाइनें मिल जाएंगी, ये वाली, इन लाइनों पर क्लिक कर देना है। लाइनों पे जैसे क्लिक करोगे आप कट ऑफ मार्क्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ये दूसरे नंबर पे, इस पर आपको क्लिक करना है स्टूडेंट, ठीक है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर देखोगे कि आपके कट ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 6, तो यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स आप अपने देख सकते हो सभी कैटेगरी वाइज। तो चलिए देख लेते हैं जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है कल आप पेपर दे के आए थे 30 अप्रैल को, वो कितना जा सकता है और कितने पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, ग्रामीण और क्षेत्र वाले सभी बच्चों के लिए ये है, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लेना, जो जनरल वाले बच्चे हैं, जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, उनका जो कट ऑफ जाएगा वो 83 और 94 के बीच में रहेगा। अगर आप मार्क्स 83 से ऊपर करके आते हो तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है कि हो जाएगा। आगे बात करते हैं एज ओबीसी कैटेगरी के बारे में, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको कम से कम 80 नंबर से ऊपर लाने पड़ेंगे। अगर आपका 80 नंबर भी आता है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर उससे ज़्यादा भी आते हैं तो भी आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जितने भी मिनिमम मार्क्स दिए गए हैं ये वाले, इस वाले सेक्शन में, उनसे आपके नंबर कम नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा उसके बराबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर उससे ज़्यादा है तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, अगर उससे कम है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए जनरल वाले का मैं फिर से बता रहा हूँ, जनरल वालों का 83 यानी कि 83 से लेकर 94 के बीच में मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, और ओबीसी कैटेगरी में आपका 80 से लेकर 93 के बीच में सिलेक्शन हो जाएगा बिल्कुल। एससी जो एससी कैटेगरी उनमें 78 से 84 के बीच में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको 78 से लेकर 84 के बीच में आप सभी का एससी कैटेगरी के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और बात करें एसटी कैटेगरी के लिए तो 70 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर कितने भी हो मार्क्स, ऐसा थोड़ी ना है कि इसके बीच में भी हो, ठीक है। अब जो मेन जो पर्पज़ है वो हमारा क्या है कि जो पहले पे जो नंबर पे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 83, 80, 78, 70, ठीक है, तो इनसे कम नहीं होने चाहिए, इनके बराबर हो तो भी आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, अगर कम हुए तो नहीं होगा, ठीक है। और देखिए वेबसाइट पे विजिट कैसे करना है एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ajayvidyangan आपको गूगल में लिखना है, ajayvidyangan.com ये हमारी वेबसाइट है ajayvidyangan.com, ठीक है। अब इस वेबसाइट का लिंक आप गूगल में ऐसे सर्च करोगे ajayvidyangan.com, और वीडियो के नीचे जिस लिंक पर दिया गया है वो भी लिंक वेबसाइट का ही है, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे जाना है बच्चों, थोड़ा सा अब नीचे जाओगे तो यहाँ पर पहले नंबर पर आप देखोगे मेनू वाला सेक्शन मिल जाएगा। इस मेनू वाले सेक्शन पर आपको तीन लाइनें भी मिल रही हैं सामने, ये देखने के, ये वाली, इस लाइनों पर आपको क्लिक करना है। लाइनों पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला, इस पर क्लिक कर देना है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको नीचे जाना है थोड़ा सा, और नीचे जाने के बाद आपको और नीचे चलेंगे, यहाँ पर दिखेंगे कट ऑफ वगैरह, यहाँ पर क्लास 9 का कट ऑफ दिया गया है, और आप थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ पर क्लास 6 का भी आपको कट ऑफ मिल जाएगा। मैंने कट ऑफ बता दिया कैसे देखना है, तो आप अपना जो कट ऑफ है देख लीजिए जल्दी जल्दी, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं किस तरह से कट ऑफ बनता है, किस तरह से बच्चे पास होते हैं, ठीक है, वो सब कुछ इस वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हो। तो इस वेबसाइट पर जरूर जाना आपको, और ज़रूर देखना है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, और मुझे कमेंट जरूर करना है कि सर मेरा इतना मार्क्स बन रहा है, मैं सिलेक्शन हो पाऊँगा या फिर नहीं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। और हाँ वेबसाइट पर जरूर जाना, विजिट जरूर करना, क्योंकि वेबसाइट पर अपडेट मिलती रहती है कुछ ना कुछ आपको, और कट ऑफ मार्क्स में अपडेट भी हो सकता है, ठीक है। तो डेली विजिट करते रहना इस वेबसाइट पर, सभी मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं कैटेगरी वाइज, वो आप देख लीजिए। तो मिलते हैं कल के कोई नई शानदार वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।